हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल अभिजीत ब्लॉग। मैं हूं अभिजीत और हाजिर हुआ हूं आज एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम के मेडिकल टेस्ट में होने वाले आई टेस्ट के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है और इसी टेस्ट में बहुत सारे लड़के रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, अगले 5 से 7 मिनट में मैं बताने वाला हूं कि ये आई टेस्ट कैसे होता है और क्या क्या टेस्ट होता है। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले बता देते हैं ये आई टेस्ट में क्या क्या टेस्ट होता है। देखिए, 5-6 टाइप का टेस्ट होता है, जैसे कि भीषण टेस्ट होता है। भीषण टेस्ट में क्या होता है, डिस्टेंट भीषण, नियर भीषण, दोनों टेस्ट होता है। फॉग टेस्ट होता है, फंडस टेस्ट होता है, उसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, स्लिट लैब एग्जामिनेशन होता है, फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट होता है। तो इतने सारे टेस्ट आपका किया जाता है। तो एक एक करके मैं सारे टेस्ट के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडस टेस्ट के बारे में। ये फंडस टेस्ट क्या होता है। फंडस टेस्ट में दोस्तों, आपके आंखों में एक लिक्विड दिया जाता है, उससे आपका आंख जो है थोड़ा ड्राई हो जाता है और वो लोग के पास एक मशीन, एक लेंस टाइप का रहता है, उससे जिससे आपका आंख के अंदर जो कोई पुरानी चोट है कि नहीं, कोई ब्लड वेसल्स है कि नहीं, मेनली आपका आंख का पर्दा का जो जांच है ये किया जाता है ये फंडस टेस्ट के जरिए, ठीक है। इसके बाद आपका स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन होता है। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपके जो चिन्ह है उसको आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं ऐसे एक मशीन रहता है, वहां पे आपको डालना पड़ता है और सामने से वो आपके पूरा आंख की जांच करता है, आपके आंख में कोई पुरानी चोट, कमियां कुछ है कि नहीं, कोई निशान है कि नहीं, ये सब आपका जांच किया जाता है ये स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन के दौरान, ठीक है। उसके बाद आपका फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट होता है। फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट कैसे होता है दोस्तों, आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है, दोनों को देख रहे हैं। इसके बाद साइड से एक उंगली हो या पेन हो यहाँ से लेके आएगा, ठीक है। इसके बाद जहाँ आपको बोलेगा कि जहाँ से आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे रोक देगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, लेकिन मेरा आई साइट के अंदर ये उंगली जो है ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फील्ड ऑब्जर्वेशन, मतलब कितना आपका आंख से आप साइड कवर करते हैं, ठीक है, ये फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट आपका होता है। उसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में क्या है, आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं ऐसा एक बुक रहता है उन लोग के पास, और वो बुक में बहुत सारे इमेजेस रहते हैं। इमेजेस का मतलब ऐसे लाल, हरा, पीला, ऐसे करके कुछ बॉल्स के तरह रहेंगे, थोड़ा हेजी टाइप का रहेगा, उसके अंदर में एक नंबर लिखा हुआ रहेगा, तो वो नंबर आपको काउंट करके बताना है। मान लीजिए एक नंबर है 12, तो आपको बोलना पड़ेगा ये 12 है, ठीक है, अगर 13 है तो 13 है, अगर 50 है तो 50 है, 7 है तो 7 है, तो ऐसे करके आपको बताना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस टेस्ट में क्या होता है, कभी कभार कोई नंबर अंदर नहीं रहता है, फिर भी आपको बोला जाएगा कि ये कितना नंबर है, तो आपको उस टाइम बोलना है कि ये यहाँ पे कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा भी रहता है कि वो जो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है उसके इमेज के अंदर कुछ लाइन ड्रॉ किया रहता है, आपको कभी कभार हो सकता है कि एक उंगली से या तो एक पेन से या पेंसिल से जैसे ड्रॉ किया रहता है वैसे करके आपको उंगली ऐसे करके लेके दिखाना पड़ेगा कि ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे करके ये जो ड्रॉ है ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फॉग टेस्ट में। फॉग टेस्ट में क्या होता है, इसमें आपके आंख में एक चश्मा पहनाया जाता है जो कि बहुत थोड़ा धुंधला टाइप का होगा, ठीक है, आपको फॉगी दिखेगा चार पास, ठीक है, और दूर से आपको कुछ लाइट दिखाया जाएगा। देखिए मेनली लाइट जो दिखाया जाएगा वो पीला, मतलब कि येलो, रेड और ग्रीन, यही 3 लाइट आपको दिखाया जाएगा। तो कभी कभार येलो जलेगा, कभी कभार डबल येलो जलेगा, कभी कभार ग्रीन जलेगा, कभी रेड जलेगा, तो आपको वो जो चश्मा
पहनाया जाएगा फॉगी टाइप का, वो पहन के आपको बताना है, कभी कभार एक आंख से भी ऐसे करके आपको बताना है कि कौन सा लाइट जल रहा है, डबल येलो जल रहा है कि वन येलो जल रहा है कि ग्रीन जल रहा है कि रेड जल रहा है, ये आपका फॉग टेस्ट होता है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो कि है आपका विजन टेस्ट। तो विजन टेस्ट में क्या है, विजन टेस्ट में एक नियर विजन एक डिस्टेंस विजन होता है। नियर विजन में क्या होता है, एक पेपर में छोटे से बड़े क्रम में एक लाइन लिखा रहता है, वो आपको एक आंख से बारी बारी करके एक एक आंख से आपको पढ़ के दिखाना है, ये हो गया नियर विजन टेस्ट। अब डिस्टेंस विजन टेस्ट, डिस्टेंस विजन टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट में क्या करना पड़ता है, जैसे आप कहीं आई टेस्ट कभी अगर किए होंगे तो आपको पता होगा कि जो आई स्पेशलिस्ट रहते हैं वो लोग के पास एक चार्ट रहता है जो कि बड़ा से छोटा ऐसे करके रहता है जैसा पिक्चर में देख रहे हैं, ऐसे आपको 6x6 टेस्ट किया जाता है, ऊपर से लेके एकदम नीचे तक आपको पढ़ना होगा, हर एक लेटर को पढ़ना होगा एक एक आंख से। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस विजन टेस्ट। इसमें सी कटिंग टेस्ट भी होता है। अब सी कटिंग टेस्ट क्या है, एक छोटा सा सी रहेगा, ठीक है, जो कि 6x6 के डिस्टेंस, 6x6 डिस्टेंस देखिएगा, मोटा मोटी आपका 20 फीट के दूरी में आपको बैठाया जाए, 20 फीट की दूरी से आपको पढ़ना है वो 6x6 डिजिट का लेटर। ठीक है, तो सी कटिंग टेस्ट में क्या हुआ था, एक छोटा सा सी था, सी का जैसे आपको पता है कि एक साइड में मुंह थोड़ा खुला हुआ रहता है, ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहा था, दूर से मेरे आंख एक आंख को ऐसे ढक दे रहा था, ठीक है, और दूर से सी को ऐसे ढक दे रहा था ऐसे कर, ठीक है, ऐसे करके ढक दे रहा था, और सी का जो खुला हुआ मुंह है वो कभी राइट साइड में कर रहा था, कभी लेफ्ट साइड, कभी ऊपर, कभी नीचे, ऐसे करके आप कर रहा था, और आपको बोलना पड़ेगा कि वो जो सी का खुला हुआ मुंह है वो किधर है, किस साइड में, राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, ऊपर है, नीचे है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो एक आंख से ऐसे करके आपको वो सी दिखाना है, वो आपको जब घुमाएगा ऐसे करके हाथ से ढक देगा, आपको दिखाएगा नहीं किस तरह वो घुमा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको एक आंख से जब हाथ हटाएगा तब आपको बोलेगा कि सी का खुला हुआ मुंह किधर है, अगर आप देखते हैं कि राइट साइड में आप बोलना है राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, फिर एक आंख से ऊपर है, नीचे है, ऐसे करके दो आंख में मोटा मोटी 5-6 बार करके आपको बोलना पड़ेगा, तब जाके आपका टेस्ट क्लियर होगा। तो देखिए ये सी कटिंग टेस्ट बहुत टफ ही होता है। ठीक है, हो सकता है कि एक आध बार आप गलत बोल दिए तो उसको कंसीडर कर लिया जाएगा, तो मान लीजिए एक बार दो बार गलत हो गया, लेकिन अगर 6 बार आपको बोलने बोलेगा और आप 4 बार ही गलत बोल दिए तो मुश्किल है भाई। ठीक है, अब सवाल आता है कि अगर आप नहीं बोल पाए तो आपको क्या दोबारा चांस मिलेगा। देखिए दोस्तों, दोबारा चांस दिया जाएगा, ऐसे मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने जो देखा है कि जब एक कैंडिडेट था जो उस दिन बोल नहीं पाया तो उसको क्या हुआ कि नेक्स्ट वीक उसको बुलाया गया कि ठीक है आप नेक्स्ट वीक आइए, मान लीजिए उस दिन सोमवार था हमको याद है, तो आप उसको बोला कि आप नेक्स्ट मंडे को आइए, ठीक है, तो नेक्स्ट मंडे फिर से वो आया तो उस दिन वो बोल पाया था तो उसको तो उसका एग्जाम क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको एक हफ्ता दो हफ्ता टाइम दिया जाएगा, फिर भी अगर आप नहीं बोल पाते हैं तो दे विल डिस्क्वालीफाई यू। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आते हैं कुछ सवाल पे दोस्तों, कुछ सवाल मेरे भाई लोग कुछ ऐसे पूछते हैं कि लसिक सर्जरी लेजर सर्जरी हम किए हैं ये चलेगा ये नहीं चलेगा। मेडिकल रूल में ये कहा गया है कि लसिक सर्जरी लेजर सर्जरी वगैरह अगर आंख में कुछ अगर आपका सर्जरी हुआ हो तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, और कोई कोई ये सवाल पूछते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कोई कोई ये सवाल पूछते हैं कि सर मेरा एक आंख में 6x6 है एक आंख में 6x9 है तो क्या मैं एलिजिबल रहूंगा। देखिए दोस्तों, आपका एक आंख में 6x6 है एक आंख में 6x9 है ये आपको पता है, डॉक्टर को नहीं पता है। ठीक है, तो आप जाइए, नहीं तो आप एग्जाम से पहले कहीं टेस्ट करवा लीजिए, वहां पे अगर आप देखते हैं कि 6x9 अगर रहने के बावजूद आप जो है 6x6 का जो डिजिट है जो लेटर है वो आप पढ़ पा रहे हैं तब जाके ठीक है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइए। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये आपके ऊपर है, आपका कितना आप देख पाते हैं ये आपका ऊपर है, क्योंकि लेकिन मैं जो है ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप अगर पूरा
CBT 1, CBT 2, उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट सब पास करके अगर मान लीजिए मेडिकल में आप छट जाते हैं तो वो बहुत दुख की बात है। तो अगर आपका आँख में कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई मत कीजिए। तो आई टेस्ट में ही सारा टेस्ट होता है दोस्तों, और कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, यही मोटा मोटी है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा उसकी सूचना तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, घर में रहिए और अपना काम बाखूबी से करते जाइए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।